एक बात मैं आपसे कहूं कि ईडी का जो जो मैंडेट है वो मैंडेट आज का नहीं है, तो पहले से है कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक बहाना बनाकर सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे पड़े रहें। और विपक्षी दलों में भी जो लोग ज्यादा पब्लिक की उसमें नजर में हैं और जो ज्यादा एक्टिव हैं, उनको आप तंग करने का ये प्रयास करें। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ, अन्य पार्टियों के साथ हो रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए तो हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो अपनी बात है वो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है, विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता हैं उन पर लगता है। तो क्या ये नहीं बताता कि ये किसी और मंशा से किया जा रहा है और किसी और लक्ष्य से किया जा रहा है? ये बात बहुत सामने आके रहती है। कहीं पर किसी पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर कोई तो साबित नहीं हो पाता, अभी तक तो कुछ साबित कहीं हुआ नहीं। कार्रवाई आप कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, एक आदमी को कष्ट पहुंचा देते हैं, एक पार्टी को कष्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते, आप सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते। एक बात मैं आपसे कहूं कि ईडी का जो जो मैंडेट है वो मैंडेट आज का नहीं है, तो पहले से है कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक बहाना बनाकर सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे पड़े रहें। और विपक्षी दलों में भी जो लोग ज्यादा पब्लिक की उसमें नजर में हैं और जो ज्यादा एक्टिव हैं, उनको आप तंग करने का ये प्रयास करें। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ, अन्य पार्टियों के साथ हो रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए तो हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो अपनी बात है वो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है, विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता हैं उन पर लगता है। तो क्या ये नहीं बताता कि ये किसी और मंशा से किया जा रहा है और किसी और लक्ष्य से किया जा रहा है? ये बात बहुत सामने आके रहती है। कहीं पर किसी पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर कोई तो साबित नहीं हो पाता, अभी तक तो कुछ साबित कहीं हुआ नहीं। कार्रवाई आप कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, एक आदमी को कष्ट पहुंचा देते हैं, एक पार्टी को कष्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते, आप सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते हैं। सर, विदेश मंत्री जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। इस बीच भारत सरकार ने अलग अलग श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं जो है वो फिर से शुरू किया है, जिसमें नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।